स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए स्फेयर ऑफ मास एम, एक स्फेयर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस स्फेयर का मास एम है, इज हेल्ड बिटवीन टू स्मूथ इंक्लाइंड वॉल्स। ये एक वॉल है और ये दूसरा वॉल है, इन दोनों के बीच में इसको फंसा के रख दिया गया है। sin 37 का वैल्यू होता है 3/5। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल टू इज इक्वल टू, ये दूसरा वॉल जो है वो इस पर कितना फोर्स इस तरह से लगाएगा, वही हमें यहाँ निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्फेयर हो गया और थोड़ा बड़ा, ठीक है, साथ में एक सरफेस भी बना लेते हैं। तो एक सरफेस ऐसे बना लिया और एक सरफेस और बना लेते हैं। तो एक सरफेस ऐसे, दो सरफेस पे ये फंसा हुआ है। अब अगर हम यहाँ चाहें तो फोर्सेस दिखा सकते हैं, जैसे इसका अपना वेट तो जो लगेगा वो तो डाउनवर्ड ही लगेगा, साथ में दीवार इसको धक्का मारेगा, दीवार एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा ऐसे, और नीचे वाला जो दीवार है ये भी इसको पुश करेगा, और ये भी एक नॉर्मल का फोर्स ऐसे यहाँ पर देगा। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम लेंथ छोटा कर दें, मतलब जो एरोज हैं उनके लेंथ छोटे बनाते हैं ताकि आप क्लियरली समझ पाओ, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, और एक और था ये वाला, ये जो है ये कुछ यहाँ से निकल करके इस तरह से जा रहा था, तो ये थोड़ा छोटा कर दिया हमने ताकि सारा पॉइंट एक ही आपको दिखाई दे यहाँ पे। तो ये जो नॉर्मल है ये वन वॉल की वजह से लगा, ये वाला नॉर्मल टू वॉल की वजह से लगा परपेंडिकुलर, और ये जो है वेट इसका mg इधर लगा। क्लियर है? तो ये तीन फोर्सेस हमने दिखा दिए कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि सबके बीच का जो एंगल्स है वो हम लोग यहाँ पे दिखा पाए, तो उस एंगल्स को दिखाने के लिए थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन आपको दिखा दिया जाए। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बना रहा था, ठीक है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। वो कितना था? 37 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 37 डिग्री है तो इस पे लगने वाला जो नॉर्मल है वो आपका कितना एंगल बनाएगा और कैसे बनाएगा उसको इससे समझते हैं। तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा अल्टरनेट, और ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 37, मतलब कि इस एंगल को हम लोग लिखेंगे नॉर्मल के 37 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये है 53 डिग्री। इतना कर दिया हम। अब आते हैं सेकेंड नॉर्मल की बात करते हैं। तो सेकेंड नॉर्मल का जो सरफेस है वो बना रहा है 74 डिग्री, 37 + 37, देखो यहाँ से यहाँ तक 74 डिग्री। तो उसका जो एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, ये 74 डिग्री है और नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह से लगा है N1, ये भी 74 होगा। तो अगर ये 74 है तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा? 16, और इधर वाला कितना हो जाएगा? 74, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो जो सेकेंड वाला नॉर्मल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नॉर्मल, एक मिनट उसको थोड़ा डायरेक्शन उल्टा करके दिखा दे ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। देखो ये है 74 डिग्री, 74 डिग्री, और नॉर्मल कैसे लगा है? इस तरह से लगा N2, ये 74 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 16 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 74, तो ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 74 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो नॉर्मल जो इसके साथ एंगल बना रहा है ये 16 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये 74 डिग्री बना रहा है, ये 90 है और इधर भी 90 है। तो सारे एंगल्स हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम लगाने वाले हैं लैमीज थ्योरम, और यही हमारा उद्देश्य था इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अब हम लगाने वाले लेमिस थ्योरम, और लेमिस थ्योरम क्या कहता है आप पढ़े होंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाए थे लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम ये कहता है कि जो भी फोर्स होगा, तीन फोर्स लग रहा है एक ही पॉइंट पे, कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो इसका नेट फोर्स भी क्या है? जीरो है।
तो जितना भी फोर्स का रेशियो है डिवाइडेड बाई जो एंगल साइन एंगल का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक, तो जैसे N1 है तो N1 का ऑपोजिट एंगल्स आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम है, ये N1 है, इधर MG है और इस तरफ N2 है। ठीक है, तो तीनों एंगल्स क्या क्या है ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है, तो 90 प्लस 37 प्लस 16, 90 प्लस 37, एक मिनट ऐड कर लेते हैं, सो 90 प्लस 37 प्लस 16 ये है 143 डिग्री। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये एंगल कितना है, तो 53 90 और बस 53 90, तो ये भी 143 डिग्री। और इधर में देखेंगे एम जी और एन टू के बीच में, एम जी और एन टू के बीच में जो एंगल है ये है 74 डिग्री। तो हमें यहाँ रेशियो जो लिखना है, फोर्सेस का रेशियो जो लिखना है वो रेशियो है N1 बाई साइन 74, उसके ऑपोजिट वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू N2 बाई, देखिए N2 बाई उसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, 143 डिग्री। ठीक है, उसको छोड़ के उससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सो N2 बाई साइन 143 डिग्री, साइन 143 डिग्री इक्वल टू MG बाई उसका ऑपोजिट भी 143 डिग्री एंगल है, देखो यहाँ पे, तो MG बाई साइन 143 डिग्री, तो ये आ गया। हमें बोला था वॉल टू की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि जो साइन 143 कट जाएगा और N2 इक्वल टू हो जाएगा MG। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MG, मतलब जो सेकेंड वॉल जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देने वाला है वो MG के बराबर होगा। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। सो आई होप आप इस मेथड को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।